नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूथ पब्लिकेशन की बायोलॉजी की टीजीटी पीजीटी की किताब को सॉल्व कर रहे थे। उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, उसके अलावा जितने भी अन्य राज्यों में बायोलॉजी से रिलेटेड शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने वायरस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, अब आज हम जीवाणु को सॉल्व करेंगे। जीवाणु के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम 15-15 करके हर वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक इसलिए करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती, फास्फोराइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फास्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी इज नॉट फिक्स, ऊर्जा निश्चित नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हरे पौधों की तरह ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू द जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, कशाविका की उपस्थिति। अगला है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियाइड की उपस्थिति। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया दोनों में सिमिलर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की उपस्थिति दोनों में सिमिलर होती है, माइटोकांड्रिया तो दोनों में पाया ही नहीं जाता और बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस होता है जबकि नील हरित शैवाल फोटोसिंथेसिस होता है, फ्लैजेला जरूरी नहीं है कि दोनों में उपस्थित हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम्स स्टेन आफ्टर वॉशिंग विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं के कि उपयुक्त कार्बनिक विलायक से धोने पर भी ग्राम स्टेन में टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है लाइपोपॉलीसेक्राइड, तीसरा है पेप्टाइडोग्लाइकान, चौथा है फॉस्फोग्लिसराइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान की जो बैक्टीरिया, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद पाई जाती है सेल वाल। अब ये जो जिस बैक्टीरिया की सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकान की मोटी परत पाई जाएगी, मान लेते हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान मोटी परत में पाया जा रहा है। अगर पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाएगी तो ये जो जब स्टैन किया जाता है क्रिस्टल वायलट या ब्लू ग्रीन, उससे आयोडीन से, क्रिस्टल वायलट और आयोडीन से जब इसको स्टैन किया जाता है तो ये उस कलर को अपने अंदर बांध के रख लेता है, भले ही इसको अल्कोहल से वाश किया जाए लेकिन ये कलर को बाहर नहीं जाने देता। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म
हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से निर्मित होती है? ऑप्शन है इसमें फंजाई, ब्रायोफाइटा, बैक्टीरिया, टेरिडोफाइटा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया या जीवाणु। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन या म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। कवक में काइटिन, कवक की काइटिन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण हैं, ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल की उपस्थिति, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान का अधिक प्रतिशत मात्रा में होना, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है आलाप्देबब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आलाप्देबब। जैसे यहाँ पे अभी आपको हमने बताया कि ये जो उसकी सेलवाल होती है बैक्टीरिया की, पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर इसमें पाई जाती है। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर में इसके ऊपर एक इसमें जगह जगह पे फंसी हुई अवस्था में, पेप्टाइडोग्लाइकान के साथ जगह जगह फंसी हुई अवस्था में टिकोइक एसिड पाया जाता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर काफी मोटी होती है। और इसमें जो लिपिड की लेयर होती है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अपेक्षा कम पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। जब कई बैक्टीरिया एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। जब कई फ्लैजेला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लोफोट्राइकस। मान लेते हैं जैसे एक बैक्टीरिया है जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता है तो इसे कहा जाता है एट्राइकस। इसके अलावा भी आप जान लीजिए ट्राइकस, जिसमें एक फ्लैजेला पाया जाता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला पाया जाता है इसे मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें दोनों ओर एक एक फ्लैजेला पाया जाता है इसे एम्फीट्राइकस, एम्फी ट्राइकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक साइड गुच्छे के रूप में फ्लैजेला पाया जाता है उसे लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में दोनों तरफ गुच्छे के रूप में फ्लैजेला पाए जाते हैं इसे सिफेलोट्राइकस कहा जाता है, सिफेलोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में चारों तरफ फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, चारों तरफ, इसे पेरिट्राइकस कहा जाता है। पेपर में सारे पूछे जाते हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करके। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है अगला प्रश्न ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कॉलरी इज। कशाभिका की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलरी होता है एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मोनोट्राइकस। विब्रियो कॉलोनी में केवल एक फ्लैजेला पाया जाता है इसलिए उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। निम्न में से किस में मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन है कैजनस कजन, साइसर एरिटिनम, ग्लाइसिन मैक्स, कैजुराइना ग्लौका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैजुराइना ग्लौका। इसमें कैजनस कजान, साइसर एरिटिनम, ग्लाइसिन मैक्स, इन सभी में राइजोबियम जो होता है वो उनकी जड़ों में पाया जाता है। कैजुराइना ग्लौका में राइजोबियम एब्सेंट होता है। इसमें एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फाउंड विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि कायिक कोशिका में नहीं। ऑप्शन है म्यूरामिक एसिड, डीपीकोलिनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नन ऑफ दिस। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीपीकोलिनिक एसिड। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड बॉर्न टॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन एक आहार वाहक जीव विष है, टिटनेस टैक्सिन, टिटनेस जीव विष, बार्टोलेनम टैक्सिन, बार्टोलेनम जीव विष, कोलेरा टॉक्सिन, हैजा जीव विष, डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया जीव विष। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बॉटुलिनम। बार्टुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो भोजन को संदूषित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है। ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, सेक्स डक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया ये दूसरी बैक्टीरिया ये दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में आ जाती हैं, इनकी पिलाई इसमें पिलाई पाई जाती है, तो ये जो पिलाई होती है ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया अपना जो ग्राही होता है वो डोनर ग्राही के अंदर अपना जो फैक्टर होता है ट्रांसफर कर देता है। लगता है ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, सेलमैन वॉक्समैन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेलमैन वॉक्समैन ने क्या किया था, एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन, तो प्रोटियोग्लाइकॉन है, प्रोटियोग्लाइकॉन प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, हेलमेंथीस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान या प्रोटियोग्लाइकॉन्स की मात्रा पाई जाती है ज्यादा, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इसकी मात्रा कम होती है। इन प्लांट, अगला प्रश्न है, इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजो जिन्स कास्ड
पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के कारण होता है रूट रॉट मूल गलन, रूट प्रोलिफिरेशन, मूल बहुप्रजाता, ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर निर्माण, नोड्यूल फॉर्मेशन, ग्रंथि का निर्माण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूट प्रोलिफिरेशन। रूट प्रोलिफिरेशन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, उसमें ट्यूमर में इंड्यूसिंग जीन पाया जाता है। राइजो बीएम जो होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, नोड फॉर्मेशन का कार्य करता है। और मूल गलन जो होता है ये फंजाई काज करता है। अगला प्रश्न है स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। ऑप्शन है एनिलिन ब्लू, कॉटन ब्लू, अगला है क्रिस्टल वायलेट, अगला है ट्राइपेन ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग ग्राम बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अभिरंजक में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पे पेट्रेडिस ले लेते हैं, ज्यादा ऊंची बना दी हमने, एक पेट्री डिश ले लेते हैं और इसमें ढेर सारी बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। अभी जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं हमें पता नहीं होता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। तो सबसे पहले इसमें क्रिस्टल वायलेट फिर आयोडीन को डाला जाता है और जिसके कारण ये ब्लू कलर ले लेता है। फिर उसके बाद इसको एल्कोहल से वाश किया जाता है। एल्कोहल से वाश करने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ देती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नीला रंग उसके पास रहता है। और फिर उसके बाद सेफ्रेनिन से इसको स्टैन किया जाता है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर ही बनी रहती है जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ऑरेंज कलर की हो जाती है। तो अभी 15 क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टल वायलेट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। आपका पूरा का पूरा यूथ पब्लिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 हम इस पे सॉल्व कराने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।